कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टी के नेताओं ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को लेकर बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल बजट पर वाहवाही बटोरी थी, लेकिन वास्तविकता सामने आ गई क्योंकि उसकी रणनीति वादे ज्यादा और काम कम करने वाली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पिछले साल के बजट ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण से जुड़े आवंटन को लेकर वाहवाही बटोरी थी। अब वास्तविक खर्च बजट के मुकाबले काफी कम है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं। उन्होंने कहा, बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। The significant part of the budget was a repetition of the presidential address and the economic survey report. But I am a believer in a low tax regime, so any tax cuts is welcome. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट में गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों की अनदेखी की बात कही। उन्होंने कहा कि बजट से गरीब वंचित रह जाएंगे, सिर्फ एक वर्ग के लोगों को इस बजट का फायदा होगा। बकौल ममता बनर्जी, केंद्रीय बजट पूर्णतः अवसरवादी और जन विरोधी है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट नील बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बजट में अनुच्छेद 39 की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल गोल बातें की, ये बजट खास लोगों का खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया बजट है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने बजट को चुनावी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां MRP की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि युवाओं, भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया इस बजट में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।